किरोड़ी लाल मीणा के धरने के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सांसद को पुलिस ने यहां पर मीटिंग के लिए बुलाया गया है, एसपी ने बयान दिया है। सांसद का कहना है कि पुलिस ने किया है उन्हें गिरफ्तार। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उपद्रव मामले में अपनी मांगों को लेकर सांसद धरने पर बैठे हुए थे, तो मीणा को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। सांसद को ले जाया गया है करौली सदर थाना, सांसद को बुलाया गया है मीटिंग के लिए, एसपी ने बयान दिया है। सांसद का कहना है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उपद्रव मामले में अपनी मांगों को लेकर मीणा धरने पर बैठे थे। सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं, आशीष अपडेट बताएं पहले। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर पहले जो है वो सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को रिहा कर दिया गया है। करौली सदर थाना में वो वहां पर बैठे हुए थे। उन्हें करौली जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर से उठाकर और हिरासत में लिया गया था। आईजी लॉ एंड ऑर्डर बीएल मीणा ने उन्हें हिरासत में दिया था, वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद में उन्हें करौली सदर थाना लेके जाया गया, जहाँ से उन्हें रिहा कर दिया गया। आशीष ये बताएं, एसपी का बयान ये है कि मीटिंग कर रहे हैं, हिरासत में लेकर कौन सी मीटिंग हो रही है आशीष? जी देखिए, करौली जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो उपद्रव मामला है उसमें दोषियों की गिरफ्तारी, निर्दोषियों को रिहा करने सहित अन्य मांगों को लेकर जो है सांकेतिक धरने पर बैठे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी जो है कृष्ण यादव को, डीएसपी मनराज मीणा, करौली कोतवाली थाना अधिकारी रामेश्वर दयाल वहां पर पहुंचे थे। उनसे समझाए कि थे वो धरना समाप्त कर दें। उसके बाद में जब उन्होंने उनकी पुलिस की जो बात थी वो नहीं मानी, उसके बाद में आईजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर पहुंचे और उनको ले करके करौली सदर थाने में पहुंचे, जहां पर उनसे वार्ता के बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। आशीष आप बने रहे हमारे साथ, इस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जुड़ चुके हैं। मीणा जी स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर आपको हिरासत में लिया गया है, लेकिन एसपी साहब ये बयान दे रहे हैं कि मीटिंग के लिए बुलाया गया है। मीटिंग कहा है, दरअसल में ऐसा हुआ था कि कल मैं पूरे शहर में घूमा था। हेलो जी, जी जी जी, बात मत करो भाई, मुझे समझाओ ना यार। सर आपको सुन पा रहे हैं हम, आप बात पूरी कीजिए अपनी। मैं सर कल दरअसल पूरे शहर में संघर्ष इलाके में घूमा था। हाँ, तो मुझे पता लगा कि यहाँ से कुछ लोग पलायन पहले कर गए, पलायन अब भी कर रहे हैं, पलायन का सिलसिला जारी है। तो मैंने 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 जिला कलेक्टर साहब को कहा था कि लोग पलायन कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने मिलाया भी था। उसके बाद संभागीय आयुक्त आए थे डिविजन, तो उसने बयान दिया कि कोई पलायन नहीं कर गए। तो मैंने रात को यहाँ पर एक्सरसाइज की और 195 लोगों की लिस्ट दी कि 195 लोग पलायन कर गए। ठीक है, और मैंने ये कहा कि इतना भय है इन अपराधियों का, उपद्रवियों का, जिन्होंने विशेषकर जो ढोली खार मोहल्ला है, जब मुस्लिम बाहुल है वहां पर आज तक ज्यादा है, लोग परेशान है, वहां से पलायन कर रहे हैं। और मैंने 195 लोगों की सूची कलेक्टर को दी और मैंने ये भी कहा था कि जो इस समय सरकार ने धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है वो गलत है। रामनवमी है, हनुमान जयंती है, ये मनाएंगे। आगे हम ज्योतिबा फूले अम्बेडकर जयंती को मनाएंगे, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। आप सरकार को हमारी भावना पहुंचाए कि इसको रिवोक करें बैन को। तो इन मामलों को लेकर हमारे एक पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा और कलेक्टर को ज्ञापन देने गए, तो मैं बाहर था धरना स्थल पर, क्योंकि 9 से 1 बजे तक कर्फ्यू ढील थी, इसलिए मैं ऐसे मौके में जाकर हमने सांकेतिक धरना दिया था। तो मैं एसपी साहब विराजमान थे, तो एसपी साहब ने उनको डांटा फटकारा, तो माहौल बिगाड़ो और ये कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो। तो उन्होंने कैलाश जी ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जो हमारे साथ थे, हमने ऐसी कोई बात नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी है इनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार करो। और उसके बाद हमको वहां से उठा लिया और हिसा है अरेस्ट करके सदर करौली के थाने पर ले गए और हमको ये बताया गया कि आपको 130 में गिरफ्तार कर लिया, हम रिहा कर रहे हैं और आप लोग यहाँ वहाँ थानेदार ने, बाकी के आईजी थे भरतपुर संभाग के, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एसपी साहब ने हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, उनको धमकाया और इन मांगों को लेकर हम सांकेतिक धरने पर बैठे थे, किंतु हमने पुलिस कर दिया और गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब हम रिहा कर दिए हैं। सर अभी आप कैलाश शर्मा अपने समर्थकों के साथ आप थाने में मौजूद हैं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ आपको कहा गया है, कौन कौन से धाराएं आप पे लगाई गई हैं? और एक बात आपसे और जानना चाहूंगी, आपने जैसे कि जी देखो मैं धरने से मेरे को कैलाश जी को आईजी जो भरतलाल मीणा ड्यूटी पर लगा रखे थे, उन्होंने हमको गाड़ी में बैठाया
और गाड़ी में बैठा थे, उन्होंने मैसेज किया वायरलेस पे कि इनको गिरफ्तार कर लिया है 138 में और मैं सदर थाने ला रहा हूँ, और वो हमको सदर थाने ले गए और हम वहाँ पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वो आई जी भरतपुर रेंज आ गए और उन्होंने वहाँ हमको थाने के थानेदार के दफ्तर में बैठा दिया। उस इधर उधर से चर्चा करने के बाद हम 138 गिरफ्तारी के कागजों पर दस्तखत करा के रिहाई कर दी, इतना हुआ है, अब हम छोड़ दिए। अच्छा, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है सर, आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? और जैसे कि आपने भी शुरुआत जी, वो तो पार्टी क्या करेगी क्या रणनीति रहेगी, लेकिन मैंने आज हमने वहाँ जो जब वो कर्फ्यू पे छूट थी तब 10-12 कार्यकर्ता हमारे साथ। धरना आपका जारी रहेगा सर, आगे धरना जारी रहेगा। और एक चीज और समझना चाहूंगी, आपने जैसे शुरुआत में जिक्र किया था कि जब आपने पलायन जो लोग कर रहे हैं उनकी लिस्ट आपने कलेक्टर को दी थी, तो कलेक्टर ने शुरुआती तौर पर आपसे क्या कहा? और ये तो आप जानते हैं कि जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में धरना करना आपके लिए सही है? नहीं, मैंने धरना उस समय किया जब कर्फ्यू में छूट दी थी, 9 से 1 बजे के बीच में। मैं जानता हूँ कर्फ्यू कानून का उल्लंघन हमको नहीं करना, कर्फ्यू है जी, लेकिन सांकेतिक था और सांकेतिक धरना देकर हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और गंभीर जो यहाँ की समस्याएं मुद्दे थी, जैसे पलायन का है और दूसरे जो मुख्य मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया और जो निर्दोष उनको पकड़ रहे हैं, तो इन बातों को लेकर हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने मेरे को फोन से बताया था, मैं धरना स्थल पर था कि आप चिंता मत करो, जो आपने ज्ञापन दिया है वो सरकार की जानकारी में डाल दिया है और SP साहब ने जो भी आपके साथ आपके कार्यकर्ता के साथ जो भी कहा है वो मैं इस संबंध में सरकार को जानकारी दे दूंगा, आप चिंता मत करो। आप जाम या जो आप एक लोग पलायन कर गए, इनके हम तुरंत जांच करेंगे और उनको हम भय मुक्त करेंगे और हम उनको बसाएंगे, उनको हम जाने नहीं देंगे, ऐसा मेरे को कलेक्टर ने टेलीफोन पर कहा था। अच्छा सर, कई लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है, बड़ी अपडेट यही है इस मामले में कि 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 6 लोगों को गिरफ्तार बल्कि आज किया गया है। पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, कल हमने DGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, वो भी कह रहे हैं कि हम लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि आपको पुलिस के कार्य प्रणाली पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं जो ये जो रैली निकाली जा रही थी बाइक रैली, इसमें बाकायदा परमिशन ली थी और माकूल व्यवस्था पुलिस करती, तो ये नहीं होता। पुलिस और गहलोत सरकार के अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि कोई भड़काऊ नारे लगाए थे, अरे भाई भड़काऊ नारे लगा रहे थे तो आप उनको गिरफ्तार रोक के और रोके नहीं तो अब गिरफ्तार कर लो, हम सब मना कर रहे हैं, लेकिन इनकी पहले से तैयारी थी, PFI ने पहले ही DG और CM की जानकारी में डाल दिया था, तो PFI को कैसे जानकारी मिली क्या हिंसा फैलेगी, तो इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। PFI का इन्वॉल्वमेंट है कि ऊपर वजनदार पत्थर छतों पर रख रखे थे, जैसे ही पहुंचे उन्होंने पत्थर फेंके, घड़े लोग घायल हो गए, घड़े जीवन और मौत के बीच ऐसे में से अपना इलाज करा रहे, तो इनकी पूरी योजना थी, लोकल प्रशासन और सरकार पूरी तरह से विफल रही है, तो ये इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, बहुत लोग घायल हो गए और बिना बात का यहाँ वातावरण वो दूषित हो गया। ठीक है, शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, इस खबर पर बहुत धन्यवाद आपका।